हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खुनी का। आपने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली, क्योंकि आज में हम इसमें बात करेंगे जो न्यूज कार आई है यहाँ पे मेगलाडोन अल्फा इस कार। तो यहाँ पर आपको इसके लिए कितने डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे या फिर आपके कितने डायमंड वेस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इसको अपग्रेड करने के लिए ना कम से कम यहाँ पर 15,000 डायमंड चाहिए। ठीक है, 15,000 डायमंड या 20,000 डायमंड के समथिंग आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पर तभी आप इसको अपग्रेड करके यानी फुल अपग्रेड मोड में इसको चला सकते हो। तो यहाँ पर आपका पहला स्पिन वो एकदम फ्री रहेगा, क्या पता आपका लक अच्छा रहा हो तो गाइस यहाँ पे आपको पहले स्पिन में ही वो मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे आपसे ये डायमंड है वो लेने लग जाएगा, यानी सेकंड स्पिन है वो 9 डायमंड का, उसके बाद यहाँ पर डायमंड है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका गेम प्ले यानी कितना खतरनाक है, तो यहाँ पर अब तक की जो इस कार की स्किन आई ना उनमें सबसे बेस्ट इस कार की स्किन लगी मेरे को ये। ठीक है, यानी सबसे बेस्ट है, आप भी मतलब इसको यूज़ करोगे ना तो सबसे बेस्ट, यानी क्यूपर इस कार की भी ऐसी की तैसी, टाइटन इस कार की भी ऐसी की तैसी करके रख देगी। ठीक है, ये इस कार तो यहाँ पे मतलब इस कार की स्किन है ना बहुत ही एकदम ओपी है। यहाँ पे मैं इसका गेम प्ले भी दिखाऊंगा तुम लोगों को लास्ट में कि गेम प्ले भी इसका पूरा इन्जॉय करना। ठीक है, बट यहाँ पे इसको मतलब निकालने के लिए पहले अपने डायमंड वो लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद 69 का, फिर उसके बाद यहाँ पे 99 का डायमंड हो जाएगा। ठीक है, 199, उसके बाद जो लास्ट स्पिन होता है ना वो हो जाएगा यहाँ पे 499 का। और यहाँ पे थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत है वो ख़राब है, तो इसलिए आवाज़ का एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए मेरे 3 स्पिन रह गए, यानी एक 99 डायमंड का, और उसके बाद यहाँ पे 2 स्पिन रहेंगे, वो एक तो रहेगा 199 डायमंड का और एक रहेगा 499 डायमंड का। यानी आपको इसको निकालने के लिए कम से कम 700 या 800 डायमंड तो चाहिए चाहिए होंगे। ठीक है, तभी आप इसको निकाल सकते हो। बट गाइस ये आप निकाल भी लोगे ना उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इसको अपग्रेड करने के लिए ना कम से कम 15-20,000 डायमंड चाहिए। बट गाइस अगर तुम इसको अपग्रेड भी नहीं करोगे ना तो भी एकदम ओपी चलेगी। ठीक है, एकदम ओपी मतलब बोलते हैं ना खतरनाक वाली। अब गाइस यहाँ पे बिना अपग्रेड किए हुए ना इसका गेम प्ले तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो एकदम खतरनाक वाला गेम प्ले हो खतरनाक। तो यहाँ पर हमने न्यू अल्फा जो अल्फा गन है अल्फा स्कार, तो यहाँ पर मेगलाडोन अल्फा स्कार हमने निकाल लिया और हमको निकल आई है परमानेंट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका गेम प्ले देखते हैं, क्योंकि क्यूपर स्कार तुम निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे डायमंड वो वेस्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर इसकी लिमिट तो है कम से कम 700-800 डायमंड आपके लिए। ठीक है, और आपको ये निकल भी जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट स्पिन में 499 डायमंड का वो निकाल दिया है और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ गया। ठीक है, ये हमको निकाल आई है। अब यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, इसको अपग्रेड करने के लिए कम से कम 15-20,000 डायमंड लगेंगे। ठीक है, क्योंकि गई वहाँ पर तुमको कुछ स्टोन करके खरीदने पड़ते हैं, करके खरीदोगे तभी गाइस तुम इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ईवो गन में सेलेक्ट होगी। ठीक है, ये आपको वेपन के अंदर भी मिल जाएगी, बट गाइस यहाँ पे आपका एक ईवो गन और होता है। ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगी, अदरवाइज आप इसको वेपन में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्यूपर स्कार की जगह यहाँ पे मैं इसको इक्विप कर देता हूँ और आप इसको सोयल लॉबी भी करा सकते हो। ठीक है, यानी सोयल लॉबी भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसका पहला इसमें कुछ भी माइनस नहीं है। ठीक है, एंड एक स्टेप डैमेज है और एक स्टेप रेट ऑफ फायर है, और यहाँ पे इसकी रिलोड स्पीड माइनस की गई है, जो कि मतलब एआर गन में इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, वो आपको एसएमजी गन या शॉर्ट रेंज में मायने रखती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज की फाइट है गाइस, वहाँ पर आपको मतलब रिलोड करने में अगर तुमको टाइम लगेगा तो आप इजीली मर सकते हो। बट यहाँ पे लॉन्ग रेंज में दी गई है, ठीक है, रिलोड स्पीड, और गाइस इसमें कुछ भी माइनस नहीं किया गया है। अब गाइस यहाँ पे इसको फुल अपग्रेड करने पर यानी लेवल 7 की करने पर यहाँ पर आपको एक स्टेप डैमेज और गाइस यहाँ पर डबल रेट ऑफ फायर और रिलोड स्पीड माइनस, तो एकदम मतलब ओपी हो जाएगी। ठीक है, एकदम ओपी बोलते हैं ना जिसको, बोलते हैं खतरनाक, तो गाइस यहाँ पर खतरनाक कर तरीके से आपको ये चलेगी। अब यहाँ पर आपको इसको निकालना है, यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए आपको इसमें कुछ स्टोन टाइप के वो लगाने पड़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे तुम इसमें स्टोन लगाओगे ना तो ही गाइस यहाँ पे इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। अब अपग्रेड कैसे करना है उसके ऊपर भी गाइस यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, वो की जो कि वीडियो है ना बहुत ही खतरनाक होगी, आप मतलब इसको कम से कम डायमंड में कैसे अपग्रेड कर सकते हो, तो उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, मैं कल बना के डाल दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना कि अगर आप ये मतलब अपग्रेड करना चाहते हो ना, तो गाइस यहाँ पे आप कमेंट कर देना कि मनु भाई हमको भी अपग्रेड करनी है, कम से कम डायमंड में कैसे हो। यानी अगर आपके 15,000 डायमंड लगते हैं तो गाइस वहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 7,000 डायमंड में ही आपकी अपग्रेड हो जाएगी। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और वैसे भी गाइस अगर कमेंट नहीं करो तो मैं कल आपके लिए लेके आ जाऊंगा वो वीडियो। अब गाइस यहाँ पर तुम इसका देख सकते हो। ठीक है, मैं बैक टू बैक यहाँ पर गाइस यहाँ पर चला के दिखा रहा हूँ आपको, और एकदम खतरनाक वाले हेड मार रही है। ठीक है, एकदम खतरनाक, यानी क्यूपिड स्कार की भी ऐसी की तैसी कर दी है इसने, एकदम खतरनाक वाले। ठीक है, एकदम खतरनाक वाले हेड वो मार रही है, और गाइस यहाँ पर इसका रेट ऑफ फायर और एक स्टेप डैमेज है तो बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि गाइस इसकी क्यूपिड स्कार में रेंज माइनस है, बट यहाँ पर इसमें रेंज माइनस नहीं है। अब गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहाँ पे भी आप चलाते हो या फिर अपना चैनल मालते हो, तो यार थोड़ा सपोर्ट किया करो। और जिस किसी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी भाई ने आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।